गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, अगला वीडियो में अपने चैप्टर एक यातायात चित्र पाठ विषय अभ्यास कर्यो हतो। आ एक चित्र पाठ छे। तो यातायात एटले विद्यार्थी मित्रों वाहनो। तो आ एक चित्रपाठ छे। यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र है। चित्र में यातायात के ये साधन है, साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, रेल, नौका, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। बगीचे का दृश्य भी साथ में जुड़ा हुआ है। आ एक बगीचानु दृश्य छे। बगीचाने दृश्यनी बाजुमा वाहनोना साधनो अवर जवर करे छे। तो आ बगीचामा कया कया फूलो छे विद्यार्थी मित्रों? तो बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, जासून वगैरे फूल छे। तो बगीचा मा चंपो, मोगरो, गुलाब, जासून ने हिंदी मा गुड़हल। तो बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल है। अभ्यास ना प्रश्नों जोईशू। एक, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों चित्रों जोईने अपने फूलों ना नाम नी यादी बनावीशू। तो चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल है। चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। विद्यार्थी मित्रों चित्रों नी अंदर जे फूल नथी तेना नाम तमारे लखवाना छे। तो चित्र में कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रातरानी, सूरजमुखी आदि फूल। चित्र में नहीं है। प्रश्न नंबर 3। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो चित्र जोईने तमारे वाहनोना नाम लखवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों चित्र में यातायात के ये साधन है, साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रेल। प्रश्न नंबर 4।
यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं है। प्रश्न नंबर 5, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं, उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तालिका 1, दो पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले, 4 से अधिक पहियों वाले। तो विद्यार्थी मित्रों, 2 पहियों वाले 2 पैड़ा वाला साधनों कया छे? तो साइकिल, स्कूटर, तांगा, बैलगाड़ी। तीन पहियों वाले विद्यार्थी मित्रों, 3 पैड़ा वाला साधनों कयो छे? रिक्शा। तो 3 पहियों वाले रिक्शा, 4 पहियों वाले मोटर कार, ऊंटगाड़ी, 4 से अधिक पहियों वाले बस, रेल। तालिका 2, हवे आपने विद्यार्थी मित्रों तालिका 1 जोयो, हवे आपने तालिका 2 जोईशु। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, ने पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो अपने वाहनों ना नाम जोया छे, एमां सड़क पर कया कया वाहनों चाले छे, हवा में कया वाहनों उड़े छे, अने पानी में कया वाहनों जाए छे, ते हवे आपणे लखवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, रोड पर जाए ते साधनों ना नाम हवे अपने लखवाना छे। तो चलो बोलो, तो सड़क पर कया कया साधनों? तो 1, साइकिल, 2, रिक्शा, 3, स्कूटर, 4, बस, 5, तांगा, 6, मोटरकार, 7, बैलगाड़ी, 8, ऊंटगाड़ी। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, 4, बस, 5, तांगा, 6, मोटरकार, 7, बैलगाड़ी, 8, ऊंटगाड़ी। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, तो विद्यार्थी मित्रों, हवा में उड़े छे तमने खबर छे,
तो हेलिकॉप्टर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। पानी में चलने वाले यातायात के साधन नाव, बीजा अर्थमां आपणे नौका पण कहीशुं, ने जहाज। विद्यार्थी मित्रों, जहाज अलग छे अने हवाई जहाज अलग छे। तो तालिका नंबर बे, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, टंगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, अने पानी में चलने वाले यातायात के साधन नाव, जहाज। હવે આપણે આગળ જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 6। નીચે દિયે ગઈ ટિકટ કા ચિત્ર દેખ કર પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમને ટિકિટનું ચિત્ર આપ્યું છે। તો આ ટિકિટ છે રેલગાડીની ટિકિટ, અને આ ટિકિટ છે એ બસની ટિકિટ છે। તો આ રેલગાડીની ટિકિટ ક્યાં જાય છે? મુંબઈ સેન્ટ્રલથી અમદાવાદ, મુંબઈથી અમદાવાદ। અને આ જે બસની ટિકિટ છે તે ક્યાંથી ક્યાંની છે? હડાદ, હડાદ સે ચિલોડા, હડાદથી ચિલોડાની છે। આ રેલવેની જે ટિકિટ છે તેની કિંમત કેટલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 204। જ્યારે આ બસની ટિકિટ છે તેની કિંમત કેટલી છે? કેટલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 91 રૂપિયા, બરાબર। આ રેલવેની જે ટિકિટ છે તેની તારીખ કઈ છે? 11/11/2011। અને આ જે બસની ટિકિટ છે તેની તારીખ છે 17/10/2011। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રેલગાડીની ટિકિટ છે અને આ બસની ટિકિટ છે। તો આના અનુસંધાનમાં તમારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। તો હવે તમને આવડી ગયું હશે। તો હવે આપણે પ્રશ્નો જોઈશું। ય ક્યા હે? તો આપણે જવાબમાં શું લખીશું? ય ટિકટ હે। ય ક્યા હે? તો ય ટિકટ હે। ય ક્યા હે? નો ય टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो विद्यार्थी मित्रों, आ बन्ने माथी बस नी टिकट कई छे? हा छे ना? तो आ सेनी टिकट छे? रेलवे नी। तो आ रेलगाड़ी नी टिकट छे, पण आपणने कई टिकट मांगी छे? बस ने। तो बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट हड़ाद से चिलोड़ा तक का है। तो अपने जवाब में शू लखीशू? हड़ाद से चिलोड़ा, हड़ाद से चिलोड़ा तक का।
य क्या है? तो य टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट हडाद से चिलोड़ा तक का है। तीजो प्रश्न छे, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट, आ बन्ने माथी रेलवे नी टिकट कई छे विद्यार्थी मित्रों? आ तो रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक का है। तो रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद तक का है। बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो विद्यार्थी मित्रों, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो विद्यार्थी मित्रों, मैं हमणा ज तमने कह्युं तुं के बस नी टिकट नी किंमत केटली छे। तो आ रेलगाड़ी नी किंमत 204 छे अने बस नी किंमत केटली छे? 91। तो आपणे बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस के टिकट में किराया 91। तो अहीं 91 लखेला छे। तो आपणे लखीशू, हिंदी में लखीशू 91 रुपये। बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। हवे आपणे 5मो प्रश्न लखीशू, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेल के टिकट का किराया ₹204। रेलवे का टिकट 204 कितना छे? 204 रुपया। रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। तो रेलवे टिकट ने अंदर तारीख कई छे? 11/11/2011। तो અહીં આપણે ઇંગ્લિશ માં આંકડા આપ્યા છે, તો આપણે ઇંગ્લિશ માં લખીશું, રેલવે ટિકટ કા દિનાંક 11/11/2011। ને 7મો પ્રશ્ન છે, બસ ઓર રેલ કે અલાવા કહા કહા ટિકટ લગતા હે? तो विद्यार्थी मित्रों, बस अने रेलगाड़ी सिवाय बीजे तमारे क्या क्या टिकट लागे छे? हवाई जहाज, विमान में लागे छे विद्यार्थी मित्रों? हाँ, तो एने अपने हवाई जहाज करीशू। ने दरियाई जहाज। तो बस और रेल के अलावा हवाई जहाज और दरियाई जहाज में टिकट लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों,
આજનું ગૃહ કાર્ય છે, તમારે હિન્દીની નોટબુક્સની અંદર પ્રશ્ન નંબર 5, તાલિકા 1, તાલિકા 2 અને પ્રશ્ન નંબર 6 નોટબુક્સની અંદર લખી પ્રશ્નોના જવાબ તૈયાર કરવાના રહેશે. હવે આગળનો અભ્યાસ આગળના વિડીયોમાં કરીશું.